टीम इंडिया ने टी20 सीरीज में भी वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर अपनी असली काबिलियत दिखा दी है। पूरी दुनिया को एक बार फिर पता चल गया है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम में कितना दमखम है, और चाहे कप्तान बदला हो या खिलाड़ी, जीत की कहानी अभी भी वैसी ही है। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में आखिरी बार धोनी के जमाने में देखने को मिला था, जब टीम इंडिया आईसीसी की टी20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम थी। मगर अब रोहित शर्मा की कप्तानी में भी भारत एक बार फिर से आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में नंबर 1 टीम बन गया है। भारतीय टीम 6 साल बाद आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी है। भारत ने आखिरी बार टी20 में नंबर 1 होने का चोला महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के जमाने में पहना था। तब वो 12 फरवरी 2016 से 3 मई 2016 तक नंबर 1 टीम रही थी। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने फिर से उसी बुलंदी को हासिल किया है, और देखने वाली बात होगी कब तक टीम इंडिया इस बुलंदी पर कायम रहेगी। टी20 रैंकिंग में अब तक 269 रेटिंग पॉइंट के साथ इंग्लैंड नंबर 1 पर बरकरार था, लेकिन अब भारत ने इंग्लैंड को रैंकिंग में पीछे धकेल दिया है। आपको बता दें, टी20 में भारत अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल वर्ल्ड कप में हारा था, और तब से 9 टी20 मैचों में भारतीय टीम अजेय है।